आगरा उत्तर प्रदेश में जन्मे द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी 1916 1998 अपने जीवन काल में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा बाल साहित्य पुरस्कार और उत्तर प्रदेश सरक, सरकार द्वारा सरस्वती साधना सम्मान से पुरस्कृत हुए इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कवि संग्रह फूल और शूल खंड काय, क्रोध क्रोच, वध, सत्य की जीत बाल काव्य कृतियां कृतिया, वीर तुम भड़े चलो हम सब सुमन एक उपवन के सोने की कुल्हाड़ी काटो और गाओ सूरज सा चमकू में भाल गीतायन सो कवि परिचय मींस अबाउट कवि अबाउट द पोएट ही हैड बॉर्न इन ग्राम रोहता विलेज इन आगरा एंड उत्तर प्रदेश स्टेट and born in 1916 and expired in 1998 he had uttar pradesh me hindi sansthan dwara bal sahitya puraskar he got bal sahitya puraskar when he was a small child that time only he got a bal sahitya puraskar and uttar pradesh उत्तर प्रदेश है बाल साहित्य पुरस्कार एंड सरस्वती साधना सम्मान सम्मान नेक्स्ट दीज एंड इसकी प्रमुख रचनाएं हैं ही हैड रिटन सो मेनी सो मेनी शूल

प्रकाशमान दमकना चमकना महकना खुशबूदार होना विहग, पक्षी, चहक आकाश कुहकना कुहकना पक्षी का बोलना दृढ़ मजबूत अभिलाषा इच्छा अभिलाषा मीन्स विश, अव विश, चंदा चंद्रमा चंद्रमा मीन्स मून चमकना प्रकाशित होना हाउ द शाइन शाइन झलम चमक दमको शाइन शिंग झलमल शिंग्स उज्ज्वल प्रकाशमान दमकना चमकना श

चहकना चाहते हैं। कवि शशि से डैश लेना चाहते हैं। आंसर विल बी शीतलता। कवि पर्वत से डैश लेना चाहते हैं। दृढ़ता। शशि से इवनिंग ही वांट इस कूलनेस। इवनिंग टाइम दे विल द क्लाइमेट विल बी कूल राइट सो Kavi want to take, want to be like a, like evening, 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 like cool person. And Kavi want to be a strong person like mountain. And uh, sahi uttar chuno. Here some, this is the filling the blanks and you have to select the correct answer. First one is, कवि द्वारिका प्रसाद महेश्वरी सूरज सा दमकना दमकना चाहते हैं। कवि द्वारिका प्रसाद महेश्वरी कोयल सा कुहकना कुहकना चाहते हैं कवि द्वारिका प्रसाद महेश्वरी फूलों सा महकना चाहते हैं प्रथम पांच पंक्तियां खंडस्थत करो मींस यू हैव टू बाय हार्ट सीखो दिस इज लाइक मैचिंग टाइप मैच द फॉलोइंग फूल महकता है सूरज दमकता है चहकता है कोयल कुहकता है चंदा चमकता है नाउ समझो और पूरा करो मुस्काना मुस्काता है मुस्काती है दिस इज अ बॉय एंड दिस इज अ गर्ल सो व्हेन वी विल दिस इज फॉर व्हेन ऑल टुगेदर मुस्काना व्हेन एंड दिस इज फॉर गर्ल बॉय बॉय वो लड़का मुस्काता है वह लड़ लड़की मुस्काती है सो दिस इज फॉर बॉय एंड दिस इज फॉर गर्ल गाना गाता है गाती है गाना देन इट विल बी गाता है एंड दिस इज गाती है जाना है जाता है जाती है

शब्दों का खेल आओ अंता छड़ी खेलें अंतिम स्वर्ण से चार चा नए शब्दों का निर्माण करो इफ इज दिस दिस इज इज हाउ दे हैड गिवन दैट महक सो लास्ट लेटर इज का सो यू हैव टू मेक द वर्ड फ्रॉम दिस लेटर दैट इज कमरा एंड लास्ट लेटर इज सो इट इज राम सो लास्ट लेटर इज हियर इज मा so it is mehel. la, last letter is la. Ladka. okay, like that. now, if you will continue, then it will be ka. okay, like that. so here, g1, last letter is na. here, i had written null. null, tap. last letter is la. so it is Ki. so it will be keel la again la lal lal means red now sundar this is rat ra rat ta Ta la, la lab bha bhalu seva va last letter is va so vahan last letter is na now namak last letter is ka कमल लास्ट लेटर इज ला लाठी नाउ हम लास्ट लेटर इज मा महल लास्ट लेटर इज ला लालच लास्ट लेटर इज चा चमचम चा लास्ट लेटर इज चा सो चाचा नाउ

Lasha, it will be. Abhilasha, it is. Abhilasha. So Lasha, it will come. Full. So we have to write full. Suraj Suraj. It is Suraj. Parvat. But here Ra will be. It's upon the Va. So we have to write like that. It is Nab Nab Na Bha Nab. This one is correct. So, if you like the channel, if you like this video, please like and subscribe my channel. Bye.